तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नोकिया के कुछ स्मार्टफोन्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इस साल यानी कि 2018 में इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले HMD ग्लोबल नोकिया ने MWC 2018 में अपने 5 एंड्रॉइड स्मार्टफोन को लॉन्च कराए। ये स्मार्टफोन है नोकिया 7 प्लस, नोकिया 6 2018, नोकिया 8 सिरोको, नोकिया 1 और इसके साथ ही कंपनी ने एक और फोन लॉन्च कराया जो कि नोकिया का एक 4G फीचर फोन है जिसका मॉडल नंबर नोकिया 8110 4G रखा गया है। लीक्स की माने तो नोकिया 1 को इंडिया में सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा जो कि अप्रैल के महीने में लॉन्च होगा। साथ ही आपको बता दूं कि नोकिया 1 नोकिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जो कि एंड्रॉइड ओरियो के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। नोकिया 1 एक एंड्रॉइड गो हैंडसेट है। प्राइस की बात करें तो नोकिया 1 की प्राइस 5400 रुपए होगी। तो अब बात कर लेते हैं नोकिया 7 प्लस की। तो नोकिया 7 प्लस कंपनी का ऐसा पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही इस स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप भी दिया गया है। नोकिया 7 प्लस की लॉन्चिंग डेट की बात करें तो ये जो स्मार्टफोन है इसे मई के महीने में लॉन्च किया जा सकता है और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 31,000 के करीब हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं नोकिया 6 2018 की। तो नोकिया 6 2018 नोकिया 6 का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है जो कि 2017 में ही लॉन्च हो चुकी है। नोकिया 6 2018 पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, तो लिंक जो है वो मैं अपने आई बटन पे दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो नोकिया 6 2018 के लॉन्चिंग डेट की बात करें तो इसे कंपनी मई या जून के महीने में लॉन्च कर सकती है और प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस जो है वो 20,000 से नीचे ही रखी जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं नोकिया 8 सिरोको की। तो नोकिया 8 सिरोको की बात करें तो इसमें आपको 5.5 इंच का QHD डिस्प्ले दिया गया है। ये एक नोकिया का फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। साथ ही इसमें आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको 6GB की रैम दी गई है। लॉन्चिंग डेट की बात करें तो ये स्मार्टफोन को कंपनी अप्रैल में लॉन्च कर सकती है और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 50,000 से 60,000 के बीच में रखी जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं नोकिया के 4G फीचर फोन की जिसका मॉडल नंबर नोकिया 8110 4G रखा गया है। ये जो फीचर फोन है ये वाईफाई हॉटस्पॉट को सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें गूगल असिस्टेंट, गूगल मैप, गूगल सर्च जैसे फीचर्स को ऐड करा गया है। लॉन्चिंग डेट की बात करें तो कंपनी इसे मई के महीने में लॉन्च कर सकती है और अगर प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस कंपनी 6,000 रुपए तक रख सकती है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि अगर कंपनी इसकी प्राइस 6,000 रुपए तक रखेगी तो 99% आदमी, 100 में से 99% आदमी ऐसे होंगे जो फीचर फोन को परचेस करना नहीं चाहेगा क्योंकि 6,000 रुपए में अच्छे खासे स्मार्टफोन आ जाते हैं, तो लोग स्मार्टफोन को परचेस करना चाहेंगे ना कि नोकिया के फीचर फोन को। अगर कंपनी इसकी प्राइस को थोड़ा कम करे तो भी लोग इसे परचेस करना पसंद करेंगे, अदरवाइज कौन जियो फोन के अलावा इस फीचर फोन को लेना पसंद करेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके और अगर आपका किसी तरीके का कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।